हाँ भाई, जीत गई है राजस्थान रॉयल्स। 4 विकेट से हराया एलिमिनेटर के अंदर आरसीबी को। आरसीबी तो बाहर हो चुकी है, लेकिन आरआर पहुंच गई है क्वालिफाई 2 में, भिड़ेगी हैदराबाद से। देखो भाई, इस मैच को देख के तुम्हें पता पड़ जाना चाहिए कि क्रिकेट जो है ना, वो एक टीम स्पोर्ट है। मतलब कि अगर आपके एक या दो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आप मैच नहीं जीत सकते। विराट कोहली का और शानदार रन आउट, मतलब कि विराट कोहली की जो फिटनेस है उसकी तो क्या ही बात करें। मतलब कि दिन भर दिन बात करते हैं, मतलब कि बात ही ऐसी निराली है। बहुत तगड़ी फील्डिंग करते हैं, बहुत तगड़ा फिटनेस है उनका, मतलब कि माइंड ब्लोइंग। लेकिन भाई, फाफ डुप्लेसी, ये जो बंदा कैच पकड़ता है, इसका मतलब कि कैच छोड़ता ही नहीं है ऐसा बंदा है। उसके बावजूद भी अगर आरसीबी टीम ये हारी है मैच, तो भाई आरसीबी के मतलब कि और प्लेयर्स की कमी की वजह से हारी, क्योंकि मतलब कि ये जो दोनों प्लेयर थे ना, ये मतलब कि हाफ चांसेस को फुल चांसेस बना देते थे। मतलब कि 1 या 2% को 100% करने वाले ये दोनों बंदे थे। अच्छी पारी, अच्छी बॉलिंग ग्रीन की, लेकिन भाई ग्रीन ने वो कैच छोड़ा। मैक्सवेल भाई, मैक्सवेल के बारे में क्या बोले भाई, 11 करोड़ का प्लेयर, अगर आपको एक सीजन के अंदर एक मैच भी अगर आपको नहीं जीता के दे रहा है सिंगल हैंडेडली, भाई थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस प्लेयर से, तो भाई क्या ही कहे। मतलब कि लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे लिख दूं भली कि ये बंदा रिलीज हो रहा है, और कोई अगले साल इसको कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन भाई काफी खराब परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल की आरसीबी के लिए और खुद की भाई, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपको 11 करोड़ के प्लेयर से, किसी भी 11 करोड़ के प्लेयर से, और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हगा है भाई, इस बार तो बहुत अच्छा से हगा है। मतलब कि भाई बिल्कुल ही रन नहीं बनाया, ना योगदान किसी चीज में नहीं है। मतलब कि कैच भी छोड़ दिया आज वो। हाँ चलो ठीक है, उस कैच के बाद में इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई वो कैच वहां पकड़ता तो कुछ तो होता ना भाई। लेकिन अब सीएसके के फैंस की बारी है ट्रोल करने की आरसीबी को, क्योंकि भाई सीएसके के फैन खुद ही के टीम मेट यानी शिवम दुबे को अगर ट्रोल कर सकते हैं, तो आरसीबी को तो करेंगे भाई। हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, इंडिया में क्रिकेट ऐसे ही चलता है, एक दूसरे को नीचे गिराया जाता है, ट्रोल करा जाता है, तो ही अच्छा चलता है यहाँ पे। तो भाई यही है इंडिया की सच्चाई कि क्रिकेट के अंदर तो ट्रोल करके ही ऐसा इंडिया चलता है। राजस्थान की कमाल की जीत, रोमांचक मैच था, मतलब कि लास्ट तक गया, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी दोनों टीमें लड़ी ये कहूंगा। लेकिन भाई 20-25 रन नहीं, 15-20 रन तो शॉर्ट रहे, ऑफ कोर्स रहे भाई, 15-20 रन और जुड़ती हारी। मैं नहीं कह रहा कि आरसीबी बॉलिंग से हारी है, फील्डिंग से हारी है, आरसीबी हारी है तो किस वजह से, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप हुई नहीं, बिल्कुल पार्टनरशिप नहीं हुई आरसीबी के बैट्समैन के लिए। भाई यही सबसे कमजोर बात थी, सबसे कमजोर वीकनेस थी आज की मैच के अंदर अगर आरसीबी की थी तो, पार्टनरशिप पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं जमी। लेकिन यार आरसीबी के लिए वो रात, वो अंधेरी रात, वो काली रात, वो गुमनामी का अंधेरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि भाई एक और सीजन आईपीएल के अंदर आरसीबी का जिसके अंदर वो ट्रॉफी नहीं जीती है। हाँ, प्रयास पूरा था, प्लेऑफ में आई है, लेकिन इस बार भी नहीं जीत पाई। एलिमिनेटर के अंदर राजस्थान रॉयल्स ने वापस हराया, 2022 के अंदर क्वालिफाई 2 के अंदर हराया था आरसीबी को राजस्थान रॉयल्स ने, और इस बार 2024 के अंदर आईपीएल के अंदर एलिमिनेटर के अंदर आरसीबी को हराया राजस्थान रॉयल्स ने। काफी मतलब कि भाई ये टीम के साथ में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, पता नहीं। मतलब कि ये टीम बार 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 प्रयास करती, लेकिन हाँ, लेकिन विराट कोहली को अगर आपने मैच के बाद में देखा तो इतना नाराज थे नहीं, क्योंकि भाई ये टीम इस सीजन में कहाँ से उठ के कहाँ पे आई है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि बार बार अपनी वीडियोज में बोलता हूँ कि 8 मई को इस टीम के केवल 3% चांस थे प्लेऑफ में आने के, और 18 मई को इस टीम के 100% चांस। सीएसके से वो मैच जीता, वो बहुत बड़ा मैच था, वो ही मतलब कि एक तरीके से फाइनल था, और उसका जश्न भी फाइनल की तरह बनाया गया। इसलिए भाई एलिमिनेटर में बाहर हो गई आरसीबी, आरआर जीती है 4 विकेट से जीती है। और यार अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा हो इस मैच का, तो मैंने आपको बोला था कि टॉस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैच यानी ग्राउंड बहुत बड़ा है, ग्राउंड बहुत खुला हुआ है, तो वहां पे ओस आती है, और ओस का अफसोस हुआ है आरसीबी को। क्यों हुआ है? क्योंकि भाई टॉस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इस वक्त बड़े मैचेस में। चेस करना आसान था, क्योंकि बॉल गीली हो जाती, बॉल टिपे पर नहीं गिरती। आरआर ने टॉस जीता, और अच्छा फैसला बॉलिंग का, क्योंकि चेस करना आसान है। मैं वापस बोल रहा हूँ, आरसीबी के बैटर्स की बात करें, जो टॉप स्कोरर है कोहली ने 33 रन बनाए 24 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 137 का। वो यूजी चहल की बॉल, वो आउट, वहीं पे मतलब कि मैच एक तरीके से पलट गया, क्योंकि भाई कोहली जब रन नहीं बनाता तब अधिकतर आरसीबी हारती है। ग्रीन 27 रन 21 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 128 का। रजत पाटीदार 34 रन 22 बॉलों में, स्ट्राइक रेट 150 का।
रजत पाटीदार अच्छा खेले। हाँ क्योंकि भाई ये बंदे ने मतलब कि अच्छा खेला है मैच दर मैच, और इस मैच में भी ठीक है अच्छा प्रयास करा, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं। लॉन्ग रोड 32 रन 17 बोलों में स्ट्राइक रेट 188 का, बहुत तगड़ा मतलब कि अच्छा खेले ये भी, मतलब कि इन्होंने तो अपनी तरफ से 100% ही दिया है। पार्टनरशिप की वजह से हारी, अगर आरसीबी आज हारी है तो पार्टनरशिप की वजह से हारी। मैंने बोला है भाई कि भाई पार्टनरशिप सबसे ज्यादा मैन होती है। देखो आरसीबी की ना सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप थी 41 रनों की 31 बोलों में, पाटीदार और ग्रीन के बीच में, उसके बाद में कोहली और डुप्लेसी की 37 रनों की 28 बोलों में, पाटीदार और लॉन्ग रोड की 25 रनों की 10 बोलों में, कार्तिक और लॉन्ग रोड की 32 रनों की 24 बोलों में। क्या इतनी छोटी छोटी पार्टनरशिप आई है, इस वजह से आरसीबी मैच हारी है। राजस्थान के बॉलर्स की बात करें, बोल्ट 4 ओवर में 16 रन, विकेट एक, इकोनॉमी 4 की, फिनोमिनल बॉलिंग, बहुत तगड़ी बॉलिंग बोल्ट की। संदीप शर्मा ने रन खाए 4 ओवर में 48 रन, विकेट एक लिया, इकोनॉमी 12 की। अब आवेश खान 4 ओवर में 44 रन, विकेट 3, इकोनॉमी 11 की। रविंद्र चंद अश्विन जो मैन ऑफ द मैच भी है, 4 ओवर में 19 रन, विकेट 2, इकोनॉमी 4.8 की। चहल ने 4 ओवर में 43 रन, विकेट 1, विराट कोहली का विकेट, छोटा मोटा विकेट नहीं भाई, वहीं पे गेम पलट गया, क्योंकि विराट कोहली रन नहीं बनाते तो बता दिया ना भाई आरसीबी मैच जीत ही नहीं सकती। इकोनॉमी 10 की थी चहल की, टारगेट 173 का, 15 से 20 रन शॉर्ट रहे हैं, 15 से 20 रन शॉर्ट रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 20 ओवर के अंदर 173 रन चेस कर रहे हो, ड्यू आती है तो उस हिसाब से रन शॉर्ट थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान के टॉप बैटर्स की बात करें, जायसवाल ने 45 रन 30 बोलों में, स्ट्राइक रेट 150 का, रियान पराग अच्छा खेले, कॉन्फिडेंस दिख रहे थे, 36 रन 26 बोलों में, स्ट्राइक रेट 138 का। हेटमायर 26 रन 14 बोलों में, स्ट्राइक रेट 185 का। पार्टनरशिप राजस्थान की बात करें तो जायसवाल और कूलर कैडमोर की 46 रन की 33 बोलों में, जायसवाल और सैमसन की भी 35 रन की 23 बोलों में, रियान पराग और हेटमायर की 35 रन की 45 रन की 25 बोलों में। ये अच्छी पार्टनरशिप थी, इसकी वजह से हाँ राजस्थान एक वक्त पे ऐसा लगा कि हाँ हार जाएगी, लेकिन नहीं, मैच बना, बहुत अच्छा मैच था, मजा आया मैच देखे। आरसीबी के बॉलर की बात करें, सिराज ने 4 ओवर में 33 रन की, विकेट 2 लिए, इकोनॉमी 8.2 की। फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में 37 रन, विकेट 1, इकोनॉमी 9.2 की। करण शर्मा ने 2 ओवर में 19 रन, विकेट 1, इकोनॉमी 9.5 की। ग्रीन ने का वो जो लास्ट ओवर था ना उसमें थोड़ा ग्रीन मतलब कि ज्यादा रन दे गए, बाकी उससे पहले 3 ओवर बहुत तगड़े डाले ग्रीन ने। 4 ओवर में 28 रन, विकेट 1, इकोनॉमी 7 की, टोटल 174 19 ओवर में रन चेस हो गई। लेकिन भाई हाँ एक टाइम पे लगा था कि भाई मैच फंस सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा प्रयास आरसीबी का बॉलिंग करते हुए भी, हाँ अच्छी लड़ी है इस बार, मतलब कि ऐसे नहीं नाक कटा के आई है, लड़ी अच्छा है आरसीबी। मैन ऑफ द मैच बता दिया अश्विन, मैक्सवेल की काफी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब भाई, बहुत ही ज्यादा घटिया। तुम्हारा क्या कहना है कि क्या अगला साल मैक्सवेल को कोई लेगा, और क्या आरआर अगला मैच जीतेगी हैदराबाद से, और किसके बीच में होने वाला फाइनल, सारी चीजें कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और यार आरसीबी की ये जर्नी कैसी रही, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छी लगी, तुमको कैसी लगी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।